पुलवामा कांड की पूरी साजिश को उजागर करने वाले एसएसपी राकेश बलवाल अब श्रीनगर में आतंकियों के समूल नाश की जिम्मेदारी को निभाएंगे। यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब कश्मीर घाटी में पुलिस और आम नागरिकों पर हमलों की घटना में एकाएक तेजी आई है। अबलवाल को एसएसपी संदीप चौधरी के स्थान पर श्रीनगर के पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि कल प्रशासन के द्वारा जम्मू कश्मीर में 12 जिलों के पुलिस अधीक्षक समेत 27 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है, पर सबकी नजरें टिकी हैं राकेश बलवाल पर। बता दें कि मणिपुर कैडर के आईपीएस राकेश बलवाल मुल्तान जम्मू कश्मीर के रियासी जिला के निवासी हैं और उन्हें एनआईए से जम्मू कश्मीर कैडर में भेजा गया है। वैसे पूर्व जम्मू कश्मीर में एनआईए की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्होंने पुलवामा के डेड केस की गुत्थी सुलझाकर पाकिस्तान की पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया, साथ ही साजिश में शामिल सभी लोगों को दबोचने में सफलता हासिल की। इसके अलावा टेरर फंडिंग नेटवर्क की कमर तोड़ने में उनकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने सुंजवा और नगरोटा में हमलों की जांच, ड्रोन के जरिए जम्मू प्रांत में पाकिस्तान में बैठे आतंकियों द्वारा हथियारों की तस्करी के मामले की जांच में भी अहम भूमिका निभाई है। हालांकि इन हालातों में बलबाल के समक्ष कई चुनौतियां भी हैं, पर सबसे बड़ी चुनौती नागरिकों और पुलिस पर आतंकियों के हमले पर लगाम कसना होगा। उम्मीद है कि राकेश बलवाल जैसे जाबाज ऑफिसर घाटी में आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। द अर्थ न्यूज डेस्क से रोमी केरनी की रिपोर्ट।